हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप भागोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी। दोस्तों पहली जो खबर आ रही है वो रॉयल सोल्जर चैनल की तरफ से आ रही है। उसमें उन्होंने एक फौजी की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों असल में मुद्दा ये है दोस्तों, एक फौजी जो सरहद पर तैनात है और उस फौजी की ज़मीन मथुरा में, यूपी के मथुरा में भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया है और वो फौजी कर रहा है अपील। ऐसे में जो हमारे रॉयल सोल्जर भाई हैं उन्होंने सरकार से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके उस फौजी को न्याय दिलाए। दोस्तों हो सके तो आप भी उस वीडियो को जरूर शेयर करना, इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये सरकार तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति महोदय तक और सीएम योगी तक पहुंच जाएगा। हमारे पास नायक पवन कुमार, ये बड़े ही रोते हुए अपनी आपबीती बता रहे हैं। मामला ये था कि इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था बड़ी मशक्कत के साथ, पैसे इकट्ठे करके। उस प्लॉट को खरीदने के बाद कुछ भूमाफियाओं ने इनके उस प्लॉट पर कर लिया कब्जा। सरकार तो बोलती है कि हमने यहाँ पे बड़े बड़े भूमाफियाओं को, बदमाशों को सब कुछ बंद कर दिया है, तो ये कौन सी सच्चाई है जो देश का एक वीर सिपाही, एक वीर जवान इस तरीके से गड़गड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, सिस्टम के सामने घुटने टेक रहा है। तो योगी जी, आप तक ये वीडियो पहुँच जाए तो प्लीज़ देश के इन जवानों के हित में कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाइए। अगली खबर ये है दोस्तों, आरकेआर भाई ने एक नई वीडियो डाली है जिसमें वो क्या था यूट्यूब चैनल के साथ कोलैब किया है और उन्होंने वो क्या था यूट्यूब चैनल के जो हेड हैं वो दोनों निकले हैं ब्रह्म राक्षस की तलाश में जंगल में। आप देखिए और बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अश्लील प्रैंक्स बनाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में एक और बड़ा नाम है जिसका नाम है चंदन बाबा। उन्होंने आज एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने ये समझाया है कि उन अश्लील प्रैंक्स बनाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ कौन कौन से एक्ट में, कौन कौन सी धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। आप उसे देखिएगा, उन्होंने बड़ी ही बारीकी से चीज़ें समझाई हैं और पूरी वीडियो डाली है, आप देखिए ज़रूर। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि IPC कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन कौन सा IT एक्ट लगेगा, ये तुम सुनोगे दंग रह जाओगे, पागल हो जाओगे कि इतना बड़ा अपराध किया हमने, इतना बड़ा गुनाह किया। बेंगलोर में दोस्तों आपको पता ही होगा पिछले 2-3 दिनों से एक खबर बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें एक जोमैटो बॉय ने एक महिला के ऊपर हमला करके उसकी नाक तोड़ दी और खून निकलने लगा। उस महिला का ये वीडियो था जिसमें वो बता रही थी कि जोमैटो बॉय ने उसके ऊपर अटैक किया और नाक से खून निकलने लगा और उसने ये वीडियो डाल दी। पर दोस्तों इस वीडियो का पहला पक्ष देखकर सभी लोग उस महिला की तरफ सिंपैथी दिखाने लगे और एक तरफा सब कुछ बोलने लगे। लेकिन अब दूसरा पक्ष सामने आया जब उस जोमैटो के उस डिलीवरी बॉय ने ये बताया है कि जब वह वहाँ पर पहुँचा, वो हालांकि लेट पहुँचा था, जब वह वहाँ पहुँचा तो वो महिला कस्टमर केयर से बात कर रही थी और उससे मतलब ये रिक्वेस्ट कर रही थी अगर उसका ऑर्डर फ्री कर दिया जाए या फिर कैंसिल कर दिया जाए। और उसके बाद उस जो जोमैटो बॉय था उस पर गुस्सा किया और उस महिला ने उस पर चप्पल से मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस में थोड़ा सा धक्का मुक्की कुछ हुई और उसके बाद उस महिला की खुद की अंगूठी जो उसने उंगली में पहनी थी उसके नाक पे लगी और जिसकी वजह से खून निकला। दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या है क्या नहीं है, बट दोस्तों आप कुछ सोचिए, अगर किसी के मुंह पे अगर घूसा लगता है तो नाक के यहाँ से, आई थिंक इस पोर्शन से खून निकलता है, ना कि ऊपर से, ठीक है। वो महिला झूठ भी बोल सकती है, इस तरीके से लोग कह रहे हैं, ठीक है, कि पब्लिसिटी स्टंट कह लीजिए या फिर फेमस होने की के लिए वो इस तरीके से कर रही है। वो जोमैटो का डिलीवरी बॉय है, वो अब तक लगभग 5,000 के आसपास डिलीवरीज कर चुका है, मतलब ऑर्डर डिलीवर कर चुका है और उसकी जो रेटिंग्स हैं वो 4.7 की है आउट ऑफ 5। कन्फ्यूज़न वाला काम हो गया है इस केस में कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ऐसे में जाँच में पुलिस लगी हुई है और देखते हैं क्या नतीजा सामने आता है इसके, क्या नहीं आता है। आप बताइए मुझे कमेंट में, आपको क्या लगता है कौन सच बोल रहा है, वो जोमैटो बॉय सच बोल रहे हैं या फिर वो महिला सच बोल रही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।